अब आज से यूट्यूब वीडियो बनाना बंद, आज से यूट्यूब को बंद करूंगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो आखिरी है, ध्यान से सुने। और सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही खास मकसद से बनाया गया है। मगध विश्वविद्यालय के अधिकारियों के ऊपर कभी भी भरोसा ना करें। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना न्यू नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। रिजल्ट को लेकर आज की इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे। दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने मोबाइल फोन का सबसे पहले आप लोग गूगल ओपन करें और यहां पर सर्च बॉक्स में टाइप करें magadhuniversity.ac.in, लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने मगध विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। दोस्तों मगध विश्वविद्यालय की तरफ से इंफॉर्मेशन दिया गया था कि रिजल्ट सोमवार को जारी कर दिया जाएगा शाम तक, पर दोस्तों रिजल्ट कल शाम तक जो है जारी नहीं हो पाया। लेट ही सही, पर जारी नहीं हो पाया। रिजल्ट नहीं जारी होने के कारण काफी स्टूडेंट्स का विश्वास जो है एक तरफ से टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते रहते हैं कि चलो आज अगर मान लीजिए मगध विश्वविद्यालय रिजल्ट जारी कर देता है तो हमारा रिजल्ट चेक हो जाएगा। अगर रिजल्ट में कोई तकनीकी समस्या अगर रहती है या किसी भी तरह की त्रुटि रहती है तो हम उसको सुधार करवाने के लिए कॉलेज के माध्यम से अपना सुधार करवा सकते हैं। लेकिन कल शाम तक जो है स्टूडेंट्स लगातार प्रयास करते रहे, रिजल्ट को लेकर इंतजार करते रहे रिजल्ट को लेकर, लेकिन रिजल्ट अभी तक जो है वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। मगध विश्वविद्यालय हम लोग जब पहुंचे तो वहां के टीम से बात हुई, वहां के अधिकारियों से बात हुई, कुछ अधिकारियों से तो बहसबाजी भी हो गई। जी हां दोस्तों, यहां पर बात करेंगे मगध विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट। मगध विश्वविद्यालय के अधिकारियों से पूछा गया कि आखिर आपने बोला था रिजल्ट सोमवार को, कल को जारी हो जाएगा किसी भी साइट का, बीए या बीएससी या बीकॉम का, लेकिन अभी तक जो है मगध विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। उनका जवाब सुनकर इतनी बड़ी हैरानी हुई कि दोस्तों आपको बताना मैं चाहूंगा कि उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमें जो इंफॉर्मेशन मिलता है हम उसी के अनुसार बोल देते हैं। यानी कि उनको भी पता नहीं था कि सोमवार को रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, अधिकारियों तक को पता नहीं था। जैसे कि हम लोग किसी भी अधिकारी से पूछताछ करते हैं तो अधिकारी के बोलने के अनुसार ही हम लोगों का कार्य संपन्न होता है, लेकिन यहां पर अधिकारी को भी सही इंफॉर्मेशन मालूम नहीं थी कि रिजल्ट सोमवार को जारी होगा या नहीं होगा। उसी के आधार पर हमने वीडियो प्रोवाइड कराया था और आपको बताया था कि रिजल्ट सोमवार को जारी हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब अधिकारियों से पूछताछ शुरू हुई, हम लोगों से बातचीत हुई तो अधिकारी बोलते हमें सही पूरी इंफॉर्मेशन नहीं था कि रिजल्ट फाइनली कल को जारी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, रिजल्ट का थोड़ा इंतजार करें, रिजल्ट जैसे जारी होगा हम आपको वीडियो प्रोवाइड, हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे, हम आपको बता देंगे, यह सूचना अधिकारियों ने दिया। दोस्तों अधिकारियों से काफी ज्यादा बहसबाजी हुई, जिसको लेकर स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि काफी स्टूडेंट्स जो है परेशान हो जाते हैं कि आखिर रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, पर वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिजल्ट को लेकर काफी स्टूडेंट्स जो है बेचैन है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों का अभी रिजल्ट जो है देखिए कब और कितने तारीख को जारी होता है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मगध विश्वविद्यालय में लगातार प्रयास जारी है, हमारे मेंबर वहां पर लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं मगध विश्वविद्यालय के हेड ऑफिसर से बात करने के लिए, क्योंकि अब ये मालूम चलता है कि लोकल अधिकारियों से बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लोकल अधिकारियों को सही इंफॉर्मेशन 100% जानकारी नहीं होती है रिजल्ट को लेकर। ठीक है, अब यहां पर जो है हेड ऑफिसर से बात चल रही है कि अगर जैसे ही हेड ऑफिसर आते हैं, मिलान बातचीत होती है, वैसे ही आपको बता दिया जाएगा। एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग, यानी आपको मैं बताना चाहूंगा कि लाइव एक वीडियो बनाकर दिखा दिया जाएगा कि क्या बातचीत हुई है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, आप लोगों को लाइव बताया जाएगा, क्योंकि मगध विश्वविद्यालय हम लोगों के बहुत ही निजी है, बहुत ही मतलब कि मगध यूनिवर्सिटी बहुत निजी है हम लोगों के, मतलब कि हम लोगों का 10 से 15 मिनट का रास्ता होता है जो आसानी से हम लोग पहुंच जाते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग चिंता ना करें, जैसे ही मगध विश्वविद्यालय की तरफ से हेड ऑफिसर से बात होगा हम सबसे पहले आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है परेशान हो गए थे कल को, इसके लिए सॉरी, बहुत बहुत दिल से माफी मांगना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स से, क्योंकि आप लोग जो है सही इंफॉर्मेशन ना मिलने के कारण जो है स्टूडेंट्स को इंतजार करना पड़ा, रात तक कल इंतजार करते रहे स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आई होप कि इसके लिए आप लोग, तो रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप सभी स्टूडेंट्स से कि आप लोग इसके लिए मतलब कि टेंशन ना लीजिए, जैसे लाइव बात होगी हेड ऑफिसर से हम आपको तुरंत बताएंगे, वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको वीडियो दिखाएंगे बताकर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग चिंता ना करें, रिजल्ट को लेकर लगातार आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, प्रयास जारी है लगातार रिजल्ट को लेकर,
रिजल्ट की प्रोसेसिंग, देखते हैं कहाँ तक क्या पहुँची है, कहाँ तक आखिर क्यों देरी हो रहा है रिजल्ट में, आखिर अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं जारी हुआ है, इसको लेकर लगातार बात विचार चल रही है। अब जिससे जैसे हेड ऑफिसर से बात विचार होती है, कन्फर्म मैं आपको तुरंत शेयर करूँगा वीडियो, तुरंत बताऊँगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों यहीं से वीडियो को समाप्त करेंगे। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।